हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद एनके प्रजापत। जैसा कि मेरे कल वाले वीडियो में मैंने आप सभी से ये कहा था कि 14 अगस्त की देर रात तक सभी मंडल के जो हैं सेकंड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र आ जाएंगे, तो वैसा ही हुआ है। रात 1:30 बजे के बाद सभी मंडल की जो ट्रांसफ़र लिस्ट हैं वो जारी कर दी गई हैं। और रही बात किन मंडल की अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है, तो वो है जोधपुर और चूरू मंडल की। जो ट्रांसफ़र की लिस्ट हैं वो अभी तक जारी नहीं हुई है, वो नहीं आई है, तो वो भी जल्द आ जाएगी। जयपुर की भी आज ही आई थी और बाकी सब रात को आई थी। तो उन सभी कर्मचारियों को, मेरे दोस्तों को, अध्यापकों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ। और उन्हें इच्छित जो स्थान मिला है ट्रांसफ़र के बाद, वो जल्द से जल्द वहाँ पर जाकर अविघ्न ज्वाइन कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और रही बात उन कैंडिडेट्स की, जो कैंडिडेट्स आचार संहिता वाले जिलों से अन्य की आचार संहिता रहित जिलों की तरफ जा रहे हैं, या वे कैंडिडेट्स जहाँ पर आचार संहिता तो नहीं है, जहाँ पर पोस्टिंग हुई है लेकिन जहाँ से ट्रांसफ़र हुआ वहाँ पर आचार संहिता लगी हुई है, तो वो भी ये ध्यान रखें कि उनका जो चाहे तो कार्य मुक्ति आदेश हो या कार्य ग्रहण जो आदेश है, वो लगभग 8 सितंबर के बाद का होगा, जब एक वापस नोटिफिकेशन उनके जिलों के द्वारा, जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा एक आदेश जारी करके स्पष्ट किया जाएगा कि अब जो हैं सभी जो ट्रांसफ़र के जो भी पदस्थापन है या कार्य मुक्ति आदेश है वो जारी किया जा सकता है, कार्य मुक्ति उनको किया दी जा सकती है। तो इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जहां पर छः जिलों को छोड़कर बाकी सभी जहां पर जिले कार्य मुक्ति देंगे उनको कार्य मुक्त करेंगे और आगे का पदस्थापन भी होगा उनका, कार्यग्रहण भी होगा, पदस्थापन क्या कार्यग्रहण भी उनका कर दिया जाएगा, तो उनके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो काफ़ी सारी लिस्टें आ गई हैं और अभी और लिस्टें आनी बाकी हैं। ये ना सोचे कि ये लिस्टें यही आएगी क्या, यही होगी क्या फाइनल, अभी कुछ और आएगी लिस्टें, चार पाँच छः लिस्ट जो भी आएगी बाकी रह गए हैं या कुछ कैंडिडेट जो हैं और किसी तरह से वो ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो उनकी लिस्ट और आएगी। और बाकी एक बात और अच्छी बात यह है कि जो 14 अगस्त लास्ट थी ट्रांसफ़र होने की, उनको राज्य सरकार के द्वारा बढ़ाकर एक महीना और आगे ले गए हैं, यानी अब 15 सितंबर तक एक महीना और आगे बढ़ा दिया गया है। इस दौरान, इस अवधि तक ट्रांसफ़र और किए जा सकते हैं। ये राज्य सरकार, सीएम साहब और शिक्षा मंत्री के द्वारा जो फैसला किया गया है वो बहुत ही अच्छा फैसला अभ्यर्थियों के हित में लिया गया है। हम उनको, पूरी सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ताकि जो शेष बचे हुए जो भी अभ्यर्थी हैं जिनकी लिस्ट आएगी, वो उनको भी वे चिंतित रहित यानी चिंता रहित होकर वे भी अपनी लिस्ट की, अपने नाम का वेट कर सकते हैं। तो एक और बात, अगर किसी कैंडिडेट को किसी भी मंडल की ट्रांसफ़र की लिस्ट अगर अवेलेबल करानी है, ज़रूरत है, तो आप मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और मैं आपको वहाँ पर वो लिस्ट जो है, जो भी आपके मंडल की ज़रूरत होगी या जो चाहिए आपको, मैं आपको सेंड कर दूँगा हाथों हाथ। ठीक है, ये थी ट्रांसफ़र से रिलेटेड न्यूज़। और शिक्षा एजुकेशनल जो न्यूज़ है उनसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, सभी ट्रांसफ़र हुए अध्यापकों को, कर्मचारियों को मेरे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।